नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पटना समेत 5 जिलों में आज फिर से बढ़ गए पेट्रोल के दाम। बिहार के लगभग तमाम जिलों में नीचे जा रहा पारा। 2 सीटों पर कल लगेगा NDA के स्टार प्रचारकों का मेला। राजद सुप्रीमो लालू यादव के रविवार को बिहार आने की हो रही है चर्चा। 6ठे चरण के नियोजन के स्थगन संबंधी आदेश को विभाग ने किया जारी। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। बिहार के लगभग तमाम जिलों में नीचे जा रहा पारा। बिहार में ठंड की दस्तक हो चुकी है। राजधानी पटना समेत सभी जिलों में तापमान घट रहा है। दिन के समय धूप की वजह से राहत है, लेकिन सूरज के ढलते ही सर्द हवाओं का एहसास लोगों को होने लगा है। खासकर के अहले सुबह और रात के वक्त ठंड का एहसास लोगों को ज्यादा हो रहा है। वहीं राज्य भर में अब कोई संभावना बारिश की नहीं लग रही है, बल्कि मौसम भी शुष्क देखने को मिल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक उत्तर दक्षिण ट्रफ लाइन यूपी से झारखंड में शिफ्ट हो गई है। ऐसे में उत्तर पूर्व के इलाके में एक दो जगहों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि फिलहाल हवाओं की गति सामान्य चलेगी। दिन के वक्त मौसम साफ रहने वाला है, हालांकि रात के वक्त पारा नीचे जाएगा, जिससे कि सुबह में ठंड का एहसास पहले की अपेक्षा ज्यादा होगा। बिहार में नवंबर से शुरू होगा स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 का सबसे महत्वपूर्ण चरण। सूबे बिहार में जल्द ही आपको आपके शहरी निकाय एक्शन मोड में दिख सकते हैं और नगर निगम की तरफ से साफ सफाई की गतिविधियां भी बढ़ाई जा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगले महीने से स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 का तीसरा और सबसे खास चरण शुरू हो जाएगा, जिसके तहत आबादी के अनुसार शहरों को परखा जाएगा। इस सर्वे में 3000 अंकों में से 1200 अंक कचरे की प्रोसेसिंग और डिस्पोजल और 900 अंक उसके वर्गीकरण और परमानेंट सफाई की स्थिति पर मिलेंगे। इसके तहत नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य के सभी शहरी निकायों को टूल किट देकर तैयारियां शुरू करने का निर्देश दे दिया है। आपको बताते चलें कि 3 महीने तक शहरी निकाय स्वच्छ पोर्टल पर डेटा अपलोड की जाएगी, जिसके बाद फरवरी में केंद्रीय टीम इन निकायों में आकर उपलब्ध डेटा का सत्यापन करने के साथ ही सैंपल जांच के साथ ही यहां के लोगों से सीधी राय लेगी। उसके बाद रैंकिंग जारी होगी। SSC MTS की परीक्षा में जहानाबाद के स्कॉलर की गिरफ्तारी ने किया बड़ा खुलासा। हाल में चल रहे SSC की MTS परीक्षा में सॉल्वर गैंग का खुलासा हुआ है, जो दूसरे कैंडिडेट की जगह पर बैठकर एग्जाम दिया करते हैं। इस गैंग का खुलासा बिहार के जहानाबाद के स्कॉलर शशिकांत की गिरफ्तारी के बाद हुआ है। जानकारी के मुताबिक उसके और भी स्कॉलर अन्य राज्यों में दूसरे छात्रों की जगह परीक्षा देने गए हैं। बताते चले कि इस गैंग में शामिल स्कॉलर पैसे लेकर दूसरे कैंडिडेट की जगह सरकारी नौकरी की परीक्षा देने का काम करते हैं। मामले में दिल्ली पुलिस को गिरफ्तार स्कॉलर के घर से कई कागजात और कई परीक्षार्थियों के प्रमाण पत्र मिले हैं, जिसे पुलिस कब्जे में लेकर तहकीकात में जुट गई है। एक्टर गुरमीत चौधरी पूर्णिया के बाजार में सत्तू पीते आए नजर। बिहार से मुंबई तक का सफर करने वाले ऐसे कई अभिनेता हैं जो नाम फेम पाने के बाद भी अपनी जन्मभूमि बिहार की मिट्टी को नहीं भूलते हैं। ऐसे ही अभिनेता भागलपुर के नवगछिया के रहने वाले गुरमीत चौधरी हैं, जो अपनी पत्नी देबीना बनर्जी के साथ सालों बाद बिहार पहुंचे तो यहां के रंग में रंग गए। इस दौरान वे पूर्णिया अपने पिता और भाई के पास गए हैं, जहां वे बाजार में एक दुकान में सत्तू पीते नजर आए। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि सत्तू बिहारी की पहचान है। बताते चले कि एक्टर गुरमीत चौधरी टीवी के प्रसिद्ध रामायण सीरियल में राम का किरदार कर चुके हैं, जिसे दर्शकों ने नए राम के रूप में बेहद पसंद किया। इसके अलावा उन्होंने कई फिल्में और एल्बम भी की हैं। वहीं उनकी पत्नी देबीना भी जानी मानी अभिनेत्री हैं। 6ठे चरण के नियोजन के स्थगन संबंधी आदेश को विभाग ने किया जारी। बिहार में 6ठे चरण के शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया, जिसमें 30,000 से ज्यादा पदों पर बहाली होनी है, उसे फिलहाल के लिए रोकने को लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश आ गया है। इसके तहत विभाग ने इसे अगले आदेश के लिए टाल दिया है। दरअसल यह बहाली 10 दिसंबर तक होने वाली थी, मगर राज्य में चल रहे पंचायत चुनाव के कारण चुनाव आयोग ने नियोजन प्रक्रिया पर असहमति जताई थी, जिसके बाद शिक्षा विभाग की तरफ से साफ किया गया है कि पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद ही नियोजन की कार्रवाई को फिर से नए शेड्यूल के साथ जारी किया जाएगा। इसके साथ आपको बता दें कि अब दिसंबर के बाद ही नियोजन प्रक्रिया के शुरू होने की संभावना लग रही है। बेतिया के एक छात्र की इंटर परीक्षा कॉपी बन रही है हंसी का पात्र। बिहार के बेतिया से एक अजीबोगरीब खबर आई है। दरअसल बेतिया के एक इंटरमीडिएट के छात्र ने सेंटअप की परीक्षा में ऐसी उलझुल बातें लिखी हैं, जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और हंसी का पात्र बन रही है। मामला बेतिया के रामलखन सिंह यादव महाविद्यालय से जुड़ा है। यहाँ इंटरमीडिएट की सेंटअप परीक्षा में एक छात्र ने शरारत करते हुए पूछे गए सवालों के मजेदार तरीके से उत्तर दिए हैं। छात्र ने शरारत करते हुए अपनी माँ का नाम प्रियंका चोपड़ा और
पिता का नाम सनी देओल लिख दिया। उस परीक्षार्थी ने हर सवाल के ही उत्तर शरारत में दिए। एक सवाल में पूछा गया था कि वह पुरातत्व से क्या समझता है, जिसमें उसने लिख दिया कि यह मेरे मास्टर ने नहीं पढ़ाया है, मैं पुरातत्व से कुछ नहीं समझता हूँ। हालांकि इस घटना के बाद कॉलेज प्रशासन की भी किरकिरी हो रही है, क्योंकि उत्तर पुस्तिका को कॉलेज से ही वायरल किया गया है। एक बार फिर पंचायत चुनाव के बीच हुई पुलिस महकमे में फेरबदल। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बीच पिछले महीनों में प्रशासनिक महकमे में कई फेरबदल हुए हैं। वहीं चौथे चरण के चुनाव समापन के बाद एक बार फिर से पुलिस सेवा में ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है। इसके तहत गृह विभाग ने 5 DSP का तबादला कर दिया है। गृह विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक मुकेश कुमार संबड़िया को STF का ASP बनाया गया है, तो वहीं महेंद्र कुमार बसंतरी को ASP PHQ बनाया गया है। वहीं सुबोध कुमार चौधरी को BMP 18 डुमराव का DSP, संजय कुमार सुमन को BMP 19 बेगूसराय का DSP और राजू कुमार सिंह को DSP रक्षित पटना का बनाया गया है। पटना समेत 5 जिलों में आज फिर से बढ़ गए पेट्रोल के दाम। महंगाई की मार के बीच बिहार के लोगों को पेट्रोल के बढ़ते दाम हर रोज परेशान कर रहे हैं। देश भर में तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के नए भाव आज जारी किए, जिसमें बिहार के 5 जिलों में भी महंगे पेट्रोल की महंगाई और भी बढ़ गई है। पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, भागलपुर और गया में आज तेल के दाम में बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद अब पटना में पेट्रोल 110.84 रुपये प्रति लीटर और डीजल 102.57 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं पूर्णिया पेट्रोल 112.31 रुपए और डीजल 103.92 रुपए प्रति लीटर की कीमत पर लोग खरीद रहे हैं। भागलपुर में पेट्रोल 111.87 रुपए प्रति लीटर और डीजल 103.51 रुपए प्रति लीटर के दाम पर है, तो वहीं गया में पेट्रोल 111.65 रुपए प्रति लीटर और डीजल 103.33 रुपए प्रति लीटर के दाम पर बिक रहे हैं। तो वहीं मुजफ्फरपुर जिले में भी दाम बढ़े हैं। वहां पर पेट्रोल 111.57 रुपए प्रति लीटर और डीजल 103.22 रुपए प्रति लीटर बिक रहे हैं। सुशील मोदी ने PM को बताया लाखों लोगों की जान बचाने वाला प्रधानमंत्री। देशभर में 100 करोड़ वैक्सीनेशन पूरे होने की खुशी में हर जगह जश्न मनाए जा रहे हैं और कोरोना को हराने की दिशा में इस उपलब्धि की हर तरफ चर्चा हो रही है। इस बीच राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी CM सुशील मोदी ने भी बयान दिया है और कहा कि स्वदेशी टीके को विकसित करके प्रधानमंत्री मोदी ने लाखों लोगों को मौत के मुंह से निकाला है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर नाखुश होने का आरोप लगाते हुए कहा कि सबसे तेज टीकाकरण कर 100 करोड़ डोज मुफ्त वैक्सीन लगवाने की तारीफ दुनिया कर रही है, लेकिन कांग्रेस को यह उपलब्धि अच्छी नहीं लग रही है। उन्होंने कहा कि 60 साल राज करने वाली कांग्रेस बताए कि उसके राज में पोलियो, मलेरिया जैसे बीमारियों के स्वदेशी टीके विकसित क्यों नहीं हो पाए। राजद सुप्रीमो लालू यादव के रविवार को बिहार आने की हो रही है चर्चा। राजद और कांग्रेस की टूटती डोर को देखते हुए अब राजद की तरफ से पार्टी सुप्रीमो लालू यादव का सहारा लिया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक मीडिया में बात चल रही है कि कल यानी कि रविवार को लालू यादव बिहार आ सकते हैं। इससे पहले भी उनके आने की बात हो रही थी, लेकिन तबीयत नासाज होने के कारण वे नहीं आ सके। अब तबीयत में सुधार होने के बाद एक बार फिर उनके आने की खबर जोर पकड़ रही है। बताते चले कि कांग्रेस उपचुनाव की 2 सीटों के लिए अपना पूरा दांव पेच लगा रही है। इसके लिए कांग्रेस के फेमस युवा चेहरे कन्हैया कुमार ने पटना में बीते दिन राजद को निशाने पर लिया, जिसके बाद से राजद की तरफ से भी लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मंत्री नीरज बबलू ने कांग्रेस के यंग स्टार चेहरे को बताया बेकार। बिहार में 2 सीटों के लिए उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के 3 यंग स्टार यानी कि युवा चेहरे कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल शुक्रवार से ही बिहार दौरे पर हैं। इस दौरान ये तीनों ही उपचुनाव के लिए घूम घूम कर प्रचार करेंगे। इस टिकड़ी पर अभी तक चुप भाजपा ने बयान दिया है। बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कन्हैया कुमार, हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी को बोडो प्लेयर यानी कि बाहर से मंगाए जाने वाले खिलाड़ी कहा है और कहा कि इन प्लेयर्स के भरोसे उपचुनाव में कांग्रेस जीत नहीं सकती है। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के इस चुनाव प्रचार में नहीं जाने पर उन्होंने कहा कि उपचुनाव के प्रचार के लिए बीजेपी के स्थानीय नेता ही सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि देश में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए विकास कार्यों से लोग प्रभावित। 2 सीटों पर कल लगेगा NDA के स्टार प्रचारकों का मेला। विधानसभा उपचुनाव के 2 सीटों तारापुर और कुशेश्वर स्थान में मतदान होने में सप्ताह भर का समय है और अब सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक मैदान जंग में कूद पड़े हैं। इस कड़ी में कल यानी कि रविवार को NDA के नामचीन चेहरे इन दोनों ही सीटों पर JDU प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने के लिए उतरेंगे। इसके तहत केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी और सांसद रामनाथ ठाकुर एक साथ संयुक्त सभा में दिखने वाले हैं। बताते चले कि
रविवार दोपहर तक सभी नेता हेलीकॉप्टर से तारापुर के संग्रामपुर प्रखंड के रानी प्रभावती उच्च विद्यालय के ग्राउंड में उतरेंगे, जहां वे सभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं इसके बाद 2:30 बजे तक में कुशेश्वर स्थान के लिए निकल जाएंगे। कन्हैया कुमार के लिए तेज प्रताप यादव के निकले बिगड़े बोल। बिहार की राजनीति में कन्हैया कुमार के कांग्रेस का हाथ थामने के बाद से ही गहमा गहमी बनी हुई है, क्योंकि कन्हैया कुमार की अपनी लोकप्रियता है। हालांकि राजद के दो युवा चेहरे इस बात से खासा परेशान है, क्योंकि यादव ब्रदर्स भी अपनी और अपनी पार्टी की लोकप्रियता कम नहीं होने दे सकते हैं। इसलिए तेजस्वी यादव और पार्टी से मनमुटाव के बावजूद भी तेज प्रताप यादव भी कन्हैया कुमार को आड़े हाथ ले रहे हैं। बीते दिन कन्हैया कुमार ने राजद और लालू परिवार पर जमकर बरसे थे, इसके जवाब में अब राजद से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस बीच तेज प्रताप ने भी कन्हैया कुमार के प्रति ट्विटर पर अपनी भड़ास निकाली है और कहा कि अगर लालू जी ना होते तो कन्हैया कुमार भी नहीं होते। राजद कांग्रेस की टूट पर पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आया रिएक्शन। बिहार के विपक्षी खेमे महागठबंधन में दो बड़ी पार्टियों कांग्रेस और राजद के बीच टूट पर सियासी पारा चढ़ा है। इस दौरान राज्य के नेता अपने अपने बयान दे रहे हैं। यह खाई लंबे समय से ही बनना शुरू थी, लेकिन इस मुद्दे पर अब जाकर पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना मुंह खोला है। दरअसल मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष के समीप कृषि विभाग के कार्यक्रम से लौटने के क्रम में उनसे जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने पत्रकारों को दो टूक कहा कि इस बारे में वे ही लोग जाने, उन्हें क्या करना है वो करे। इस मामले में नीतीश कुमार ने कहा कि मेरी कोई रुचि या फिर दिलचस्पी इस बात में बिल्कुल नहीं है। वही मुख्यमंत्री से जब लालू प्रसाद के बारे में यह पूछा गया कि वह उपचुनाव में प्रचार के लिए आ रहे हैं तो वे इस बात को टाल गए। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से पहले धोनी है एक्शन मोड में। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ महामुकाबले से पहले टीम इंडिया के मेंटोर महेंद्र सिंह धोनी एक्शन मोड में आ गए हैं। धोनी टीम इंडिया के बल्लेबाजों को जमकर तैयारी कराते नजर आ रहे हैं। इसे लेकर BCCI ने सोशल मीडिया पर उनकी फोटो भी शेयर की है, जिसमें धोनी थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट के रूप में बल्लेबाजों को अभ्यास करा रहे हैं। अभ्यास के दौरान उन्होंने बल्लेबाजों की क्लास भी लगाई। इसके पहले भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम जब आखिरी वार्म अप मैच खेल रही थी तो उस समय धोनी बाउंड्री के ऋषभ पंत को विकेट कीपिंग से जुड़े टिप्स दे रहे थे। वो पंत को लगातार प्रैक्टिस करवाते भी देखे गए थे। तो वहीं इसका भी वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार कन्हैया कुमार के आने के बाद क्या कांग्रेस बिहार में उपचुनाव जीत पाएगी या फिर नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।